नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं केएल चौरसिया टेक एंड सोशल से मैं लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए। ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब का एक बटन है रेड कलर का, आप उसको क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको मैंने एक एचपी जो मैंने डीवीडी राइटर मंगवाया था एक्सटर्नल, उसकी अनबॉक्सिंग की थी। आज मैं उसे आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे अटैच होता है कंप्यूटर से और लैपटॉप से। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे अपने, जो मेरे पीछे डेस्कटॉप देख रहे हैं, मैं इसी पे इसे इंस्टॉल करूँगा, इसे कनेक्ट करूँगा और चला के दिखाऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे कनेक्ट होता है। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो एक्सटर्नल डीवीडी है एचपी की, ये कैसे वर्क करती है कंप्यूटर पे और कैसे कनेक्ट होती है कंप्यूटर से। इसे चाहे तो आप लैपटॉप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और सभी सेम ही है। और ये इसके साथ वायर दी हुई है, जो छोटा वाला छोटी वाली कनेक्टर केबल है वो लगेगी इसमें, इसके अंदर, और जो बड़ी वाली है वो लगेगी आपकी इस यहाँ पे। कई लोग पीछे भी लगा सकते हैं, पीछे भी जिसमें कनेक्टर है और आगे भी है, तो मैं आगे लगा के दिखाऊंगा आपको ये कैसे होता है। तो दोस्तों ये हमने रखा यहाँ पे, इसको मैंने, इसको देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया, इसमें इसमें कनेक्ट हो चुका है। और ये जो दूसरा वायर है ये मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अब ये कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब कैसे पता पड़ेगा, जब भी आप इसका शटर ओपन करेंगे डीवीडी डालने के लिए, सीट डालने के लिए, तो हरी लाइट जल जाएगी यहाँ पे, ब्लिंक। ये देखिए हरी लाइट जली, इसे आपने अंदर किया तो भी हरी लाइट दिखा रहा है इसमें, तो इससे पता चल जाएगी ये ऑन है और ऑफ। तो इसको हम जब करना है तो इस बटन पे, छोटा सा बटन दे रखा है, इस पे जब हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये ओपन हो जाएगी ऐसे करके। इसमें आप डीवीडी डालिए और इसको बंद कीजिए। अब मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर में शो कैसे करेगी। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं इसे निकाल देता हूँ एक बार और मैं दिखाता हूँ कि ये शो कैसे गए। ये देखिए ये कंप्यूटर में गए, यहाँ पे ये कंप्यूटर की लोकल ड्राइवें हैं जो हार्ड डिस्क में रहती हैं। अब मैं इसको जब कनेक्ट करूँगा, इसको मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ आएगा नीचे। ये देखिए दोस्तों, आपको अभी 1 2 3 4 5 6 ड्राइवें दिख रही हैं। ये सभी इंटरनल ड्राइवें हैं जो इसके अंदर हार्ड डिस्क है कंप्यूटर के अंदर, उसकी सब ड्राइवें हैं। अभी कोई एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं दिख रही, लेकिन जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा इसमें कंप्यूटर में, तो ये एक अलग सी ड्राइव आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए कुछ देर में एक और ड्राइव आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए एक और ड्राइव आ गई, डीवीडी रीड राइटेबल ड्राइव। तो इस तरह आप इस पे माउस को ले जाएंगे, माउस को ले जाइए और राइट क्लिक करके जो भी आपने इसमें सीडी डाली है डीवीडी डाली है उसे आप रन करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह काम करता है। ये एक्स्ट्रा आ जाएगा जब इसको हम निकाल देंगे। देखिए मैंने इसे निकाल दिया यहाँ से, तो इसके बाद ये यहाँ से चला गया, ऐसे चला गया। तो दोस्तों ये इसी तरह वर्क करती है, लैपटॉप पे भी करेगी और किसी भी डेस्कटॉप पे कर देगी और किसी भी लैपटॉप पे ही वर्क करेगी। इसको आप आसानी से किसी भी लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लैपटॉप पे, चाहे एसर, चाहे एप्पल का हो, चाहे विंडो हो, कोई सी भी, सभी पे ये सपोर्ट करेगा और सभी पे कनेक्ट होगा। दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लौटता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, लेके आता हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।